हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन, केमिस्ट्री प्रोफेसर एंड वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इंडियाज रिनॉन कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने एक मेजर क्वेश्चन का आंसर आपसे जानने आया हूं। आप सभी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर वो क्वेश्चन क्या है। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि आप सभी स्टूडेंट्स का जो ड्रीम बहुत समय से चला हुआ आ रहा था कि आपको जो इंडिया में टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स के नाम से भी फेमस हैं, उनको ज्वाइन करना है या फिर किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करके एमबीबीएस एंड एमडी कंप्लीट करके एक अच्छा डॉक्टर बनना है। आप अच्छा डॉक्टर बनके इंडिया, हमारी जो कंट्री है, भारत है, उसके लिए बहुत अच्छा सर्व करना चाहते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपकी तरफ से हाँ है तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके और आपके इस ड्रीम के बीच में जो अब सबसे बड़ा बैरियर खड़ा हुआ है वो है 13 सितंबर को होने वाला नीट एग्जाम, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस साल जो पैंडेमिक COVID-19 है उसके कारण जो एग्जाम पहले ये मई में प्रपोज था उसको जुलाई में शिफ्ट किया गया और एट द एंड जुलाई से इसको सितंबर में शिफ्ट किया गया और अब 13 सितंबर को फाइनली बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स और इंस्ट्रक्शंस के साथ ये एग्जाम आपको देने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स का इतना लंबा जो वेटिंग पीरियड था वो खत्म हो गया है और एट द एंड ये एग्जाम आपको देने को मिलेगा, तो सभी बहुत मुस्कुराइए, बहुत अच्छी बात है ये। नाउ मुझे लगता है लंबे समय से हम इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे हमने टेस्ट दिए हैं, है ना। अब मैं आज आपको क्या नया बताने जा रहा हूं वो मैं थोड़ा सा आपको यहां पे समराइज करूंगा। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर टोटल 180 प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको पता है। 3 आवर्स का ये टेस्ट है, ये भी आपको पता है। नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको पता है। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम पैंडेमिक COVID-19 में होने जा रहा है, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स को जरूर चाहूंगा कि आप उसको अपने पास नोट कर लीजिए। क्या? सबसे पहले, क्योंकि ये एग्जाम आपका आफ्टरनून के अंदर 2 से 5 के स्लॉट में होगा, एक सिंगल स्लॉट में सभी स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स अपने घर से 3 आवर्स बिफोर, 3 घंटे पहले निकल जाइए। और ऑब्वियसली आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ स्लॉट्स बताए गए हैं, उन स्लॉट्स में आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक पर्टिकुलर प्लेस पर रिपोर्ट करना है और बहुत सारे स्कैनिंग और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने को मिलेगा। वो क्या क्या है? सबसे पहले अपनी पॉकेट में ये इंश्योर कर लीजिए आप कि आपने अपना जो एडमिट कार्ड है उसको रख लिया है। एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने पर आपने अपनी एक कलर्ड फोटोग्राफ अपने साथ रख ली है, जो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस समय जो कलर फोटोग्राफ आपने यूज किया था, बिल्कुल सेम टू सेम कलर फोटोग्राफ आपने अपने साथ रख लिया है। प्लस आपका एक जो ओरिजिनल आईडी है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या आधार कार्ड हो सकता है, वो आपने अपने साथ रख लिया है। अब ये सारी चीजों के साथ साथ, क्योंकि ये COVID-19 पैंडेमिक की सिचुएशन है, आपको एक मास्क वियर करके जाना है, मास्क वियर करके जाना है। प्लस आप अपने साथ हैंड सैनिटाइजर कैरी कर सकते हो, जो 50 मिलीलीटर की बोतल होनी चाहिए, और आप अपने साथ जो वाटर बोतल है वो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल कैरी कर सकते हो, कैरी करके आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप घर से निकलने से और एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने तक आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल के पास पहुंचेंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी मिला था एडमिट कार्ड के साथ, वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म वहां पर फिल करके सबमिट करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म में मेनली क्या पॉइंट्स हैं, उसमें लिखा हुआ है कि क्या आप ये लास्ट 14 डेज किसी जो COVID-19 एक्टिव पेशेंट है उसके कांटेक्ट में तो नहीं आए, या फिर आपको जो कोरोना के सिम्टम्स हैं क्या आपको वो तो नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप ही रहे तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके लिए अलग से वहां पर रूम की व्यवस्था की जाएगी जिसके अंदर आपको एग्जाम देने को मिलेगा। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको ये सारे पॉइंट्स को वहां पर फिल करके सबमिट करना है स्टूडेंट, ओके। जो मास्क आप घर से वियर करके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे थे वो मास्क आपको वहां पर थ्रो करना पड़ेगा, और
उस मास्क की जगह आपको वहां से एक नया मास्क आपको दिया जाएगा जो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उसको वियर करना है और ड्यूरिंग द एग्जाम आप उसको पहन के अपना एग्जाम देंगे। आप अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपना जो हैंड सैनिटाइजर है और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है उसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, थर्मल स्कैनिंग, जैसे आज हम कहीं पर भी एंट्री कर रहे हैं तो डेफिनेटली सभी का टेम्परेचर नोट हो रहा है, तो थर्मल स्कैनिंग आप सभी स्टूडेंट्स की भी होगी। तो क्योंकि अगर हम लास्ट मोमेंट पर वहां पर एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते हैं, सेंटर तक पहुंचते हैं, तो बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाती है, तो इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं इनको एक दिन पहले ही अपने साथ एडमिट कार्ड, कलर्ड फोटोग्राफ, अपना आईडी प्रूफ उसको रखकर, और फिर जो एग्जाम सेंटर है आप उस दिन बहुत आराम से और बहुत ठंडे दिमाग से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचिए। नाउ सबसे पहले जब आप पेपर अटेंड करने बैठोगे तो उसमें भी मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगा। इंस्ट्रक्शंस उनको बहुत ढंग से पढ़ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को तो ढंग से पढ़ते ही नहीं है और रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो इंस्ट्रक्शंस हमको पता है, लेकिन फिर भी मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को सजेशन है कि आप इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लीजिए। फिर जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वेदर इट इज फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं जैसा आपने स्ट्रेटजी बना रखी थी होगी अभी तक बहुत सारे एग्जाम देने के बाद। ऑब्वियसली मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी से स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में हमको बहुत क्विक रिस्पॉन्स देने को मिल जाता है और हम इससे अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव कर पाते हैं, और उसके बाद फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री के ऊपर स्टूडेंट्स आते हैं। मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को सजेशन है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि 180 प्रॉब्लम्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, 180 मिनट्स आपके पास हैं, 180 प्रॉब्लम आपको अटेंड करने हैं और 180 मिनट ही आपके पास हैं, तो इसलिए हर एक प्रॉब्लम पर बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। जो आपको क्वेश्चन समझ में आता है उसका आंसर टिक करिए और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे स्विच करते जाइए। जो क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी ट्रिकी है या थोड़ा सा टफ आपको लग रहा है, उसको आप स्किप करके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए, ऐसा मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा, है ना। इसका बेनिफिट ये होगा, हम पहले वन स्लॉट के अंदर पूरे 180 प्रॉब्लम्स को ढंग से देख पाएंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं, वो चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री के अंदर हो, और आगे उनके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, इजी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इस चक्कर में छूट जाते हैं और उनके पास एट द एंड सिर्फ यही एक्सक्यूज रहता है कि क्वेश्चन सर छूट गए, तो मैं तो क्वेश्चन ही नहीं देख पाया, 180 प्रॉब्लम्स के ऊपर ही नहीं पहुंच पाया। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए जितने प्रॉब्लम्स आपको कॉन्फिडेंटली आते हैं आप उतने प्रॉब्लम्स को टिक करके आइए, है ना। आप जैसी ही सिचुएशन बाकी सभी स्टूडेंट्स की भी अभी है, उनकी भी मेंटल सिचुएशन, उनका भी बिल्कुल वही प्रेशर उन्होंने इस पूरे पीरियड में झेला है जो आप सभी स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, तो इसलिए ऑल स्टूडेंट्स आर ऑन इक्वल लेवल। तो इसलिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे मुझसे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, जब आपने बढ़िया प्रैक्टिस करी है, बहुत सारी मेहनत करी है, तो बिल्कुल आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और एट द एंड जैसे मैं आपको सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा, हम ये बिल्कुल भी अभी ना सोचें कि इतने क्वेश्चंस मैं करूंगा तो इससे मेरा रिजल्ट ये हो जाएगा, इतने क्वेश्चंस मैं करूंगा तो इससे मेरा रिजल्ट ये हो जाएगा। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं कॉन्फिडेंटली उतने करिए। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स में लग रहा है कि दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो सकता है, तो मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 प्रॉब्लम्स में आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, ओके। तो अगर इन सभी बातों को आप फॉलो करोगे, ध्यान रखोगे, और क्योंकि मेहनत तो हम करते हुए आ ही रहे थे, अपने हार्ड वर्क और अपने एफर्ट्स हैं उनके ऊपर आप फेथ रखोगे, तो मुझे लगता है आपका ये जो एग्जाम है बहुत अच्छी तरीके से जाएगा और बहुत बढ़िया होगा। आप ये सोचिए कि आपको अपना बेस्ट एफर्ट्स एग्जाम में शो करना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ड्रीम है वो एट द एंड फुलफिल होगा। तो आप सबने खूब मेहनत कर रखी है, अब इसको शो ऑफ करने का समय है, बहुत कॉन्फिडेंटली और फुल एफर्ट्स के साथ शो ऑफ करिए। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं हैं और बेस्ट विशेस हैं, बेस्ट ऑफ लक।